पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में भगवान गणपति की पूजा हो रही है। लोगों ने अपने अपने घरों पर गणपति को स्थापित किया हुआ है और इसीलिए जी न्यूज भी आपके लिए यह विशेष प्रस्तुति लेकर आया है जिसका नाम है गणपति समागम। इस समागम के अंदर हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं जिनका मैं पहले आपसे परिचय करा देता हूं और इसके बाद भगवान गणपति की पूजा कैसे की जाए, कैसे की जाती है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बप्पा कैसे लेकर आएंगे, ये सारे जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं उन सभी प्रश्नों का समाधान आपको इस समागम में मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं सबसे नन्हे से गेस्ट, सबसे प्यारे से गेस्ट, जिनकी मुस्कान भी बप्पा की तरह ही है, अभिनव अरोड़ा जी। और अभिनव जी का स्वागत। गणपति बप्पा मोरया। तो ये अभिनव जी हैं और कितने अभिनव हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। इन्हें देखकर आपको इनके कुछ वीडियो भी याद आ गए होंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे कि ये गणपति भगवान को कैसे मनाते हैं, उनकी पूजा कैसे करते हैं, ये जरा बताइए। सी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद अभिनव अरोड़ा आजकल सोशल मीडिया की सनसनी है। दिल्ली के रहने वाले अभिनव सिर्फ 10 साल के हैं और 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान बाल कथावाचक के रूप में है। परिवार के मुताबिक 5 साल की उम्र से ही अभिनव का झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया था। भगवान कृष्ण और धर्म की भक्ति में लीन अभिनव दूसरे बच्चों से अलग हैं। वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। मेरी अयोध्या और मेरे राम के नाम से कथा सुनाते हैं। अभिनव सुबह 3:30 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। अभिनव की लोकप्रियता का आलम यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता का खिताब दिया था। अपने व्यस्त समय और पढ़ाई के बीच अभिनव हर शनिवार और रविवार को कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन जाते हैं। आज खुद अभिनव हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे करेंगे तमाम बातें, जानेंगे उनकी कृष्ण भक्ति का राज। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और हमारे साथ इस वक्त अभिनव अरोड़ा जी हैं। अभिनव जी, एक तो आपका नाम बहुत अभिनव है और ये जरा बताइए कि इस बार का गणपति उत्सव आप कैसे मना रहे हैं, कैसे आप बप्पा को लाए हैं घर पे? बिल्कुल ढोल के साथ गणेश जी को, हम बहुत खुशी के साथ गणेश जी को अपने घर पर लाए हैं। बहुत खुशी है गणेश जी, 1 वर्ष का इंतजार पूरा हुआ, गणेश जी सभी के घर में विराजे हैं। जी, तो कैसे कैसे करते हैं भगवान की पूजा? गणेश जी का, गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले आप गणेश जी को ढोल बाजे के साथ पूरा खुशी से गणेश जी को अपने घर पर विराजमान कीजिए, किसी पवित्र स्थान पर जिसको आपने पहले से शुद्ध कर रखा हो, आपने उसकी सफाई कर रखी हो, उस पे आप गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए। गणेश जी को आप गंगा जल और दुर्वा घास के सहायते से उनका स्नान कराएं और ऐसा भावनाएं, ऐसा मानसिक भावनाएं कि आप उनका स्नान करा रहे हैं। गणेश जी को आप माला पहनाएं, उनको दुर्वा घास अर्पित कीजिए, गणेश जी को तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं। जी, यानी जैसा हम घर में गणेश जी को बालकों के साथ व्यवहार करते हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार, जैसे हम घर के सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही गणपति भी हमारे घर के सदस्य हो जाए इन दिनों में। जी बिल्कुल। तो ये अभिनव जी हैं। भगवान गणेश की आरती, सुंदर सुंदर श्रृंगार आपने बहुत सुंदर प्रेम भाव से करना है। अभिनव जी, मैं आपके पास बहुत सारे सवालों के साथ आने वाला हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले जो याद आ रहा है वो आपकी तस्वीर है, हालांकि वो पिछले वर्ष की है। आप गणपति जी को विसर्जित करने के लिए गए और विसर्जित करते करते इतने भावुक हो गए कि आप छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं हैं, और मेरा ख्याल है कि करीब करीब 10 करोड़ लोग उस वीडियो को अब तक अभिनव जी के देख चुके हैं, तो इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं अभिनव जी के लिए और उनके भक्ति भाव के लिए। इतने भाव विभल कैसे हो गए? पिछले वर्ष का ही वीडियो है ना वो? जी हम इतनी खुशी के साथ गणेश जी को अपने घर पर लाए थे, उनका स्वागत किया था, तो जब उनका विसर्जन हो रहा था तब मैं भावुक हो गया था। जी, गणेश जी को हमने इतनी खुशी के साथ अपने घर पर विराजमान किया था, तो अब जब वो जा रहे थे तब मैं भावुक हुआ। नहीं तो क्या करते हैं गणेश जी के साथ, आपका संवाद होता है,
ऐसा दिल का कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है, कैसे आपके भाव गणेश जी के साथ इतने जुड़ जाते हैं? गणेश जी मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, सब कुछ है मेरे। तो बातचीत कर लेते हैं भगवान से जी? वो जो वीडियो है वो पिछले साल का वीडियो है जी। जी वो पिछले साल भी वो बहुत वायरल हुआ था और पिछले कुछ दिनों से भी वो वायरल हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको जी बता दूं कि इस बात का मुझे कोई भी भ्रम नहीं है। एक राजा था, वो जब भी शहर में निकलता हाथी पर बैठ के निकलता था जी। तो सब उनको सलाम करते थे, प्रणाम करते थे जी। तो हाथी को भी बहुत भ्रम होता था कि सब मुझे सलाम कर रही हैं, सब मुझे प्रणाम कर रही हैं। तो एक बार जो राजा की मृत्यु हो गई जी, तो हाथी शहर में निकला, हाथी को कोई सलाम ही नहीं कर रहा था, हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था। अब हाथी ने सोचा, हाथी परेशान हो गया जी जी, अब ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, अब मुझे सलाम क्यों नहीं कर रहे। फिर उस हाथी को पता चला ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर बैठे हुए उस राजा को प्रणाम कर रहे थे। तो मुझे हाथी जैसा कुछ भी भ्रम नहीं है, मैं आज जहाँ पर भी हूँ, मैं आज जो भी हूँ, वो भगवान गणेश की, ठाकुर जी की कृपा से ही तो हूँ। एक बात मेरे गुरुजी मुझे सिखाते थे और वो ये कहते थे कि आप जितने छोटे होते हैं आपका अहंकार उतना बड़ा होता है, आप जितने बड़े होते जाते हैं आपका अहंकार धीरे धीरे घटता जाता है। और ये जो बालक है अभिनव, बाल कथा वाचक हैं, वैसे तो संत हैं, इज्जत के साथ नाम लेना चाहिए, लेकिन 10-12 वर्ष, कितनी आयु आपकी? 10 वर्ष। 10 वर्ष की आयु है। और ये जो भाव है कि नहीं, मुझे ना तो कोई भ्रम है और ना भ्रम हो सकता है, और अहंकार को खाने वाले कौन है, वो स्वयं ईश्वर है। अहंकार अगर किसी का भोजन है तो ईश्वर का है, और इसलिए अहंकार से बहुत दूर, और यही आपको बड़ा बनाता है। इसलिए मैं सबसे पहले राज मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि जरा बताइए भगवान गणपति के इस समागम में कि इस उत्सव का महत्व क्या है। अभिनव तो हमारे साथ मीठी वाणी में, थोड़ी सी तोतली जुबान में हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें आप ये महत्व भी समझाइए और कैसे ये पूजा पद्धति होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले गणेश जी का जो जन्मोत्सव हम आप ही नहीं मनाते हैं, इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। देवता भी भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं। चतुर्थी तिथि वो तिथि है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष का वो महीना है, जिस समय माता आदिशक्ति जगत जननी माता पार्वती ने अपने शरीर के अंग से भगवान गणेश जी की जो उत्पत्ति है उसको किया, और सभी देवताओं ने मिलकर के उनकी आराधना की, देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया, और उनसे उस समय पर कहा गया, शिव पुराण के रुद्र संहिता में बाकायदा इसका वर्णन आता है, कहा गया कि जो आपकी आराधना करेगा उसके जीवन से विघ्न दूर रहेगा। और मैं इसका एक प्रमाण देता हूं। सब लोग सोचते होंगे गणेश जी प्रेम विवाह करा सकते हैं, जनरली लोगों को उम्मीद नहीं होगा, किसी को उम्मीद नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा माता जानकी ने, हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं विद्यार्थी जानते होंगे, माता जानकी जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो माता जानकी बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं, गण नायक वरदायक देवा तुलग आज की न तव सेवा, है ना, वो इस प्रकार प्रार्थना करती हैं कि आज बार बार विनती सुन मोरी और हरहु चाप गुरुता अति थोरी। माता जानकी कहती है कि प्रभु आप सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, आज तक जो मैंने आपकी प्रार्थना की है उसकी ऐसी कृपा कर दीजिए कि जो धनुष है वो हल्का हो जाए। तो सबसे पहले ये नहीं है कि हम सिर्फ मानव लोग, हम मानव लोग शायद अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, लेकिन मानव नहीं, पूरा ब्रह्मांड भगवान गणेश जी की आराधना करता है। मैं पूजा पद्धति को लेकर के जब बात करता हूं तो मुझे एक चीज बड़ा सुंदर लगता है। भगवान राम ने सुंदरकांड के दोहा नंबर 42 में, शायद आप लोग जानते हैं, कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अगर कुछ पसंद है तो आपकी निर्मल भावना पसंद है, और शायद मैं अभिनव की बातों को सुन रहा था तो मैं यही सुन रहा था, भगवान मंत्र से प्रभावित हो जाए। अरे कहां भगवान मंत्र से प्रभावित हो सकते भाई, वेद उनकी स्तुति करता है। भगवान को हम लोग कुछ प्रदान कर सके ये संभव नहीं है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप कितनी निर्मल भावना से भगवान गणेश जी की आराधना कर रहे हैं। अभिनव जी आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, कुछ कथाएं भी गणपति जी की अगर आप सुना दें जी लोगों को, विशेष रूप से अगर आप बताएं कि भगवान को एक दंत क्यों कहते थे जी। एक बार महर्षि वेदव्यास जी महाभारत को, उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जी जो कागज पर उतारे, तो गणेश जी ने की एक शर्त थी कि वह
बिना रुके महाभारत को बोलते रहेंगे और गणेश जी लिखते रहेंगे। तो अब गणेश जी लिखते रहे और वेद व्यास जी बोलते रहे, तो गणेश जी की कलम टूट गई। तो गणेश जी ने अपना एक दंत तोड़ा और उससे लिखने लगे। तो तब से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। अच्छा, लंबोदर क्यों कहते हैं भगवान को? लंबे पेट वाले, ऐसे जैसा आपका है। उन्हीं से प्रभावित है मुझे लग रहा है, लड्डू गोपाल से तो नहीं है, है? आपको भी लग रहा है कि मतलब प्रथम पूज्य अभिनव महाराज होने चाहिए। ठीक है, ये केवल हास्य की बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। और माधव जी हमारे बीच में है। माधव जी बहुत ही प्रकांड विद्वान है, कथावाचक हैं, इसलिए माधव जी ये कथाएं जो भगवान की हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई हैं, कई तरह की किंवदंतियां भी होती हैं, कई तरह की लिखी हुई कथाएं भी होती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान गणपति को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? देखिए, भगवान गणपति, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो भारत भूमि है, भारत भूमि पंच प्रधान महादेवों देवों की भूमि है। यहाँ पर पंच देवों की पूजा का विधान बताया गया है। पंच देवों में सबसे पहले गणेश जी, दूसरे भगवान शंकर, तीसरे सूर्य, चौथी दुर्गा और पंचम भगवान नारायण। लेकिन गणेश जी पंच देवों में सबसे श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर जगत जननी भगवती अम्बा का हाथ है। ये पूरी सृष्टि और ये पूरा भारतवर्ष जो है, इस भारतवर्ष को कहा गया है भारत माता। ये भारत माता के नाम से संबोधित किया जाता है देश। और जिस देश में सृष्टि प्रधान, स्त्री प्रधान की महानता होगी, निश्चित वो समस्त देशों का राजा होगा, समस्त जगत का प्रधान स्थान होगा। तो गणेश जी समस्त देवताओं के अध्यक्ष और प्रधान इसलिए हैं क्योंकि उनके पीछे जगत जननी भगवती अंबा का हाथ है। अलग अलग तरह से जितने विद्वान हैं वो व्याख्याएं करते हैं, लेकिन मैं सबसे सरल व्याख्या की ओर लौटता हूं। और सबसे सरल व्याख्या सरल मन से होती है। जितने विद्वान होते हैं उनके पास मन में आता है कि मैं क्या नया बोल दूं या किस तरह से इसकी मीमांसा कर दूं। लेकिन जरा मुझे बताइए अभिनव जी, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों करते हैं? एक बार सभी देवी देवताओं के बीच में चुनाव हुआ कि प्रथम पूजनीय कौन होगा। तो तय हुआ कि जो पूरे विश्व की, पूरे संसार की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही होगा प्रथम पूजनीय। तो अब सब निकल गए। तो अब गणेश जी अपने अपने मूषक के साथ कैसे सबसे पहले पूरे संसार की, पूरे विश्व की परिक्रमा करेंगे? तो भगवान गणेश ने डिसाइड किया, भगवान गणेश ने सोचा कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की जी, अपने माता पिता की परिक्रमा की। अब जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों, संसार की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो भगवान गणेश कहते हैं, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरे संसार हैं, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया हैं। तो भगवान गणेश को तब से प्रथम पूजनीय जाने लगा। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होने लगी। बोल प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की जय। और इतना ठंडा नहीं होना चाहिए। यस, इतनी व्यापक कथा सुनाई है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा अभिनव जी, आपको कौन सी स्तुति भगवान गणेश की सबसे ज्यादा पसंद है? आप कौन सी स्तुति गाना पसंद करते हैं? भगवान को कैसे मनाना पसंद करते हैं? भगवान गणेश की बहुत सारी स्तुतियां हैं, बहुत सारे मंत्र भी हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? देखिए, बहुत से पुरोहित और बटुकगण हमारे बीच में हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं? भगवान गणपति भी हमारे बीच में, उनके लिए कौन सी स्तुति की जाए? भगवान गणेश को, भगवान को भक्त के भाव चाहिए। भाव चाहिए। देखिए, भगवान को भक्त के वश में है भगवान। भगवान भाव देखते हैं। भाव से जो भी स्तुति होगी, भाव से जो भी स्मरण होगा, भगवान को बहुत प्रिय लगेगा। तो जो भी स्तुति बस भाव से करनी चाहिए। मैं सबको यही बोलूंगा कि भगवान की जो भी स्तुति करें, जो भी पूजा करें, भाव के साथ करें, क्योंकि भाव, भाव भगवान के वश में है भगवान। भाव चाहिए भगवान को जी। तो आप लोग कोई और स्तुति करना चाहते हैं जी? ओम नारद उवाच।
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तारासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैकानि नामानि सन्ध्यं या पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तो आप अपना गणेश उत्सव इसी तरह जी न्यूज के साथ मनाइए और बहुत वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समग्रः निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननन्दरूपाय सेवितं कपीथजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। विघ्न विनाशक भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गणेशी विभूषित कराने नवनी राभा पीतांबरादन सुंदर सुंदर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। एक बात जो अभिनव ने कही थी वो बहुत सुंदर है और मैं हरिशंकरानंद जी महाराज मैं आपसे चाहता हूं उस पर एक टिप्पणी कि भगवान प्रथम पूज्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पूरे संसार से बड़ा अपने माता पिता को माना। और हम ये भी देखते हैं आज के समाज में कुछ संदेश भी समागम से जाने चाहिए पूजा पद्धति के अलावा कि बड़े बड़े पंडाल हैं पंडाल में भगवान गणपति के आकार बढ़ते जा रहे हैं पंडालों की शोभा बढ़ती जा रही है लेकिन क्या वाकई अपने माता पिता के लिए उतने समर्पित हैं आज के बालक। ये बहुत विडम्बना का मेरे साथ तकलीफ ज्यादा शब्द है ये वाला जी। आज बच्चे माँ बाप के साथ होते हुए भी नहीं हैं आज वो अपना ज़्यादा समय जो है वो मोबाइल पे और गूगल पे रहते हैं। मैं आज के इन बच्चों से एक ही सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि माता पिता प्रथम गुरु हैं प्रथम पूजनीय हैं। अगर यदि इस सबक को हम सीख लें सुबह उठ के धरती को प्रणाम करने के बाद माता पिता को हम प्रणाम करें उनकी स्तुति हम जरूर उनके जन्म उत्सव पे करें इससे बढ़ के भक्ति और इससे बढ़ के भगवान गणेश का आशीर्वाद हो नहीं सकता। भगवान गणेश अपनी माता को समर्पित हैं उनकी एक आज्ञा के कारण वो अपनी जगह से हिले नहीं और माँ ने कहा था कि मैं स्नान करने जा रही हूँ पुत्र देखना कोई अंदर ना आने पाए। आप देखिए उसकी भक्ति उसका समर्पण गणेश की भक्ति और समर्पण कितना था और आज वो प्रथम पूजनीय है हमारे लिए आज वो हमारे लिए प्रथम पूजनीय है। एक साधारण भाषा में एक बालक को मैंने कहते सुना जय गणेश काटो कलेश ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कहा बेटा ये कौन सी स्तुति है ये ये, ये, ये क्या है। बोला ये मेरा प्रेम है ये समर्पण है। और मैं तो देख के चकित रह गया। भगवान गणेश ने जो वो चाहता था वो उसे प्रदान करा और जब उसने मुझको ये बात बताई आके अगले दिन तो मैंने कहा ये स्तुति सबसे बढ़िया है। माता पिता को प्रणाम करें साधारण भाषा के अंदर जी जय गणेश काटो कलेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने तो उसी दिन से इस मंत्र को मान लिया। लेकिन मैं जब अभिनव से बात कर रहा था और इनकी माता जी का फोन आया जी क्या बुलाते हैं अभिनव मैया को
मम्मी को क्या बुलाते हैं? मैया। मैया क्या बुलाते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। मैया। कैसे बुलाते हैं अगर मैया सुन रही हो आपकी तो? मैया। जैसे कन्हैया बुलाते थे यशोदा मैया को, मैया ये मैया बुलाते हैं जी। पिताजी को पापा नहीं कहते? पिताजी कहते हैं। और ये हमें रामायण से सीख मिलती है जी। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं होना पहले के समय होता था, हमें राम जी से सीखना है, रामायण से सीखना है। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा देकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या यह है हमारी युवा पीढ़ी? और अगर यह है हमारी युवा पीढ़ी तो ये आगे जा कर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण सुननी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, और केवल सुनना पढ़ना ही नहीं रामायण से सीखना भी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे श्याम। राधे श्याम। आपने कहा कि हम गणपति का तो विसर्जन कभी कर ही नहीं सकते, राइट। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि समुद्र के किनारे विशेष रूप से मुंबई में महाराष्ट्र में बहुत मनाया जाता है ये पर्व, और देखते हैं कि वो पीओपी की बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां खंडित होकर इस तरह से पड़ी हुई हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे देश में मैं इसी यही पीड़ा परेशान करती है। भागवत के अंदर यहां सभी लोग शायद भागवत की आप लोग कथाएं सुनते हैं, बच्चे अध्ययन करते हैं, इनको पता होगा कि शायद सिर्फ माला के दुरुपयोग के अंतर्गत भगवान विष्णु ने अपनी माला दी दुर्वासा ऋषि को, उन्होंने जाकर के इंद्र को दी, इंद्र ने ऐरावत को पहना दिया और उसके दुरुपयोग के कारण उसको इंद्रासन छोड़ना पड़ा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा कैसे करते हैं। शास्त्र में पूजा के तीन प्रकार है राम जी, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। उत्तर पूजा में जो सामग्री का विसर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा आपने बहुत श्रद्धा से किया, लेकिन यदि सामग्री विसर्जन आप श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपके पूरे पूजा फल को नष्ट करके आपको पाप दे रहा है। आवश्यक नहीं है, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप ला सकते हैं मूर्ति बिल्कुल लेकर के आइए, नहीं ला अगर विसर्जन करने का स्थान पर्याप्त है तो, नहीं है। मुझे भी पीड़ा होती है, मैं कई बार जब निकलता हूं रोड से देखता हूं नदी के किनारे सर कहीं पड़ा है, हाथ कहीं पड़ा है। अगर आप नहीं ला सकते हैं, आपके घर में जो गणेश जी है ना, उनके भी पूजन का वही फल प्राप्त होगा। Z News।